हनुमान हनुमान ऐसा मत करो, हनुमान नहीं मुझे मत निकलो, छोड़ दो छोड़ दो। छोड़ दो हनुमान। शांत हनुमान, शांत हो जाओ। तुम्हारा ये रौद्र रूप असुर संहार के लिए है, देवताओं के लिए नहीं। हनुमान छोड़ दो मुझे। कालदेव को मत निगलो कालेश्वर। धन्यवाद महादेव। विनम्रता और सौम्यता तुम्हारी पहचान है मंगल मूर्ति। शांति को धारण करो। कालदेव को मुक्त कर दो। महाकाल महाकालेश्वर हनुमान, तुम्हारे पिता की मुक्ति कालदेव से मैं कराऊंगा। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आना। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान काल लोक से अपने पिताश्री के प्राण वापस ले आऊंगा। पराक्रम लोलल्लांगूल पातेत ममारातीन निपातय। ओम मर्कटाधिप मार्तंड मंडल ग्रासकारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम अक्षयन्न पिपिंगाक्ष क्षितिशोकक्षयंकर लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय।
ओम महाकाल संसार दुख भारा पहारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। हनुमान, कालदेव के इतने बड़े अपराध के पश्चात भी तुमने इन्हें मुक्त करके अपनी न्याय और सौम्यता का परिचय दिया है। केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान करके कालदेव ने न्याय ध्वजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब यह ध्वजा आपके सिंहासन विचार भू के साथ शोभायमान नहीं हो सकती। कालदेव, न्यायकर्ता के लिए आवश्यक है विनम्रता और सौम्यता, जिसका परिचय आज हनुमान ने दिया है। आज से हनुमान का ये महारूप महाकाल कालेश्वर हनुमान के नाम से जग प्रसिद्ध होगा। और मैं ये विधान करता हूं कि जो भी श्रद्धालु भक्त इस न्याय ध्वजा का प्रतीक लाल ध्वजा हनुमान को चढ़ाएगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। को अपनी भूल का सुधार करते हुए हनुमान के पिता महाराज केसरी की आत्मा को मुक्त करना होगा। ऐसा ही होगा महादेव। हनुमान, मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु प्रदान कर मैंने भूल की थी। अपने अभिमान में अंधा होकर मैंने नियम की सीमा का उल्लंघन किया था, इसलिए मैं तुमसे एवं समस्त देवताओं से क्षमा प्रार्थी हूं।
महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। सर्व संकटहारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। हनुमान, मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है, अब तुम भी अपना क्रोध त्याग दो। हनुमान, महादेव ने जो विधान किया कि तुम्हें जो लाल ध्वज चढ़ाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस विधान का मैं सदैव पालन करूंगा और अपनी भूल सुधारते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करता हूं। हनुमान, प्रणाम पिताश्री। कालदेव, आपने मेरे पिताश्री को मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए कालदेव। अब आपके काल लोक में ही शोभित होगा, बस आप इसकी मर्यादा को बनाए रखिए। लीजिए कालदेव। हनुमान, ऐसा ही होगा। हनुमान, तुम शीघ्र ही अपने पिता की आत्मा को लेकर पृथ्वीलोक पहुंचो, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। जी परमपिता। चलिए पिताश्री। हनुमान, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे कारण तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं, उनसे क्षमा मांगनी है मुझे। सब देवगणों को प्रणाम। प्रणाम परमपिता। चलो पुत्र। चलिए पिताश्री। ऐसा मत करो वाष्कली। देखो सुमेरु की महारानी, देखो ये अग्नि फैल चुकी है। अब जैसे जैसे ये अग्नि केसरी की ओर बढ़ेगी तुम्हारी पीड़ा बढ़ेगी। नहीं वाष्कली, नहीं। हनुमान, अपने पिता की रक्षा करो पुत्र, बचाओ अपने पिता को।
मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दे रही है। वहाँ अवश्य ही कोई संकट है, मुझे शीघ्र ही जाना होगा। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। राक्षसों को रोको, तब तक मैं तुम्हारे पिता को जीवित करता हूं। समाप्त कर दो हनुमान को। शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु, शन्नः पुरंदिह शमु संतुरायः, शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः, शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। Oh.
अपने भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा। तेरे पिता की तरह चिता में फेंक दूंगा। काका महाराज। वाशकली, तुम्हारे जीवन के अंत का समय आ चुका है। त्रिकेत्री, कालदेव। प्रणाम कालदेव। कालदेव, आपकी इस कृपा का मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे कारण आप सभी को बहुत कष्ट उठाने पड़े। ऐसा मत कहिए कालदेव। मेरे स्वामी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ, मेरा पुत्र हनुमान सकुशल, मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। हनुमान की माँ ही इतनी विनम्र हो सकती हैं।
आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। आप ही के संस्कार और सीख का परिणाम है जो हनुमान संकट मोचन तो है ही, किंतु अब आपके प्रताप से ये कालेश्वर हनुमान भी हो चुका है, जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। कालेश्वर हनुमान की, कालेश्वर हनुमान की, कालेश्वर हनुमान की। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो। शिवर कल्याण हो पुत्र। महाराज केसरी, आपके पुत्र हनुमान ने असंभव को संभव बना दिया। अपने पिता को मृत्यु लोक से लेकर लौट आया। सत्य है ऋषिवर, विलक्षण है हमारा पुत्र। श्री कालदेव की ग्रास से मुझे मुक्ति दिलाकर नया जीवन प्रदान किया। धन्य हो गया मैं ऐसा पुत्र पाकर। पितृ भक्ति का प्रतीक बने हैं हनुमान। अपने पिता के साथ साथ अपने राज्य का भी मंगल किया है। अपने प्रिय राजा को पुनः पाकर प्रजा उत्साह से झूम उठी है। चारों ओर आनंद ही आनंद है। उनके इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उत्सव हम मनाएंगे। वन के समस्त राजाओं को आमंत्रित कर दीजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। हनुमान की सफलता का उत्सव हम अवश्य मनाएंगे। और अब निश्चित हो गया कि हनुमान सुमेरु पर कभी भी किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़ने देगा। ओम इंद्राय नमः। 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 ॐ 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 इंद्राय नमः। नेत्र खोलो पुत्र वाली। प्रणाम देवराज। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मुझे तो लगा था आप कभी दर्शन नहीं देंगे। कोई भी तप व्यर्थ नहीं जाता। कहो क्या वरदान चाहिए था? अधिक कुछ नहीं देवराज,
मात्र एक वरदान चाहिए। यदि तुम अमरत्व मांगोगे तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वो मेरा अधिकार नहीं। देवराज मूर्ख नहीं है वाली, उसे ज्ञात है कि जीवन और मरण तो प्रकृति का नियम है। नहीं, अमृत्व नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो कहो क्या चाहिए। मुझे हनुमान के समान शक्तिशाली होने का वरदान चाहिए। इस भव्य उत्सव में तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। इसका कारण भी तुम ही तो हो हनुमान, तुम ही तो अपने पितराश्री को मृत्यु लोक से लौटा कर लाए हो। मैं उत्सव की तैयारी करता हूँ बाबा साहब। महाराज ऋक्षराज पधार रहे हैं। पधारिए महाराज ऋक्षराज। प्रणाम महाराज केसरी, आपका स्वागत है, पधारिए। प्रणाम महाराज। पुत्र हनुमान, इतना साहस और सामर्थ्य आपने कहाँ से पाया? जो इतना बड़ा दुष्कर कार्य कर दिखाया। हनुमान के समान शक्तिशाली? हनुमान का जन्म तो एक महान कार्य के लिए हुआ है, नारायण के कार्य के लिए। मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें हनुमान के समान शक्तिशाली नहीं बना सकता। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण ही नहीं कर सकते थे तो आप यहां आए ही क्यों? जाइए देवराज, और सभी को ज्ञात होने दीजिए कि देवराज इंद्र के वचन का कोई मूल्य ही नहीं है। बाली, जो तुम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, उसके स्थान पर अन्य कोई भी वरदान मांगोगे मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो भी मांगूंगा, पुनः विचार कर लीजिए देवराज। आप वचन दे रहे हैं, पुनः पीछे मत हट जाइएगा। अवश्य तुम्हारी अन्य कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है। मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान चाहिए, जिससे मैं प्राचीरों के उस पार जितना दूर चाहूं देख सकूं। अवश्य तुम प्राचीरों के उस पार देख सकोगे, परंतु केवल 100 योजन की दूरी पर। नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं है। आप मेरी दिव्य दृष्टि को सीमा में नहीं बांध सकते हैं, और यदि ऐसा है तो जाइए, नहीं चाहिए मुझे कोई वरदान। बाली हट उचित नहीं है, देवताओं पर भी बंधन है, जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वो अवश्य दूंगा। अच्छा, तो मैं कोई और वरदान मांग सकता हूं? अवश्य। अच्छा, तो मैं कोई और वरदान मांग सकता हूं? अवश्य।
तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। आपने वचन दिया है देवराज, मैं आपसे कोई दिव्य शक्ति नहीं मांग रहा हूं, मैं वाली महानतम वाली मात्र शुद्र वरदान का इच्छुक हूं। तथास्तु 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 तथास्तु। युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाले अनेक योद्धा हुए हैं, किंतु मृत्यु पर जय और मृत्यु को पराजित करने का सामर्थ्य किसमें है? मृत्यु लोक से अपने पिता को वापस ले आने का कठिन कार्य किसने संपन्न किया है? संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की। माँ, इतनी प्रशंसा से हनुमान को अत्यंत संकोच हो रहा है। मैंने तो मात्र वो किया है जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। मेरे संकोची पुत्र हनुमान, ये प्रशंसा इसलिए क्योंकि समूचे जग में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। माँ, मुझे शक्ति आपसे और पिताश्री से ही मिलती है। मेरे संकोची पुत्र हनुमान, ये प्रशंसा इसलिए क्योंकि समूचे जग में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। माँ, मुझे शक्ति आपसे और पिताश्री से ही मिलती है। माँ, राजा हो या रंक, काल देव के चक्र से आज तक कोई नहीं बच सका है। एक क्षण को तो हमें लगा था कि हमने अपने प्रिय मित्र केसरी जी को खो दिया है। काल देव के अकाल मृत्यु के ताप को शीतल करने वाला कौन है? ये सामर्थ्य किसमें है? संकट मोचन महाबली हनुमान।
अवश्य। ये मेरे पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का परिणाम है कि मुझे हनुमान के पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे निकट आओ पुत्र हनुमान, ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर, आपके बताए गए मार्ग पर ही चलकर मैं अपने पिताश्री को मृत्यु लोक से वापस लौटाने में सफल रहा। आपने ही तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया था, मैंने उस सुझाव का पालन किया। सत्य है, बड़ों के बताए मार्ग पर चलने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। छल से मैंने देवराज इंद्र से वही प्राप्त कर लिया जो मुझे चाहिए था। हनुमान, मरकट, मेरा सबसे बड़ा शत्रु, अब तू मेरे साथ युद्ध कैसे करेगा? वाली को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। जब मैं तेरे सामने द्वंद्व करूंगा और तेरी आधी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी। आपने ही तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया था, मैंने उस सुझाव का पालन किया। सत्य है, बड़ों के बताए हुए मार्ग पर चलने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। हाँ पुत्र हनुमान, विनम्रता, ज्ञान, साहस का अद्भुत उदाहरण हो तुम। तुमने आज जो असाध्य कार्य को साध्य बनाया और नहीं कर सकता था। तुम्हारा सदैव कल्याण हो पुत्र। ऋक्षराज महाराज जामवंत जी पधार रहे हैं। प्रणाम ऋक्षराज जामवंत। प्रणाम। प्रणाम जामवंत जी। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे, आपका स्वागत है। प्रणाम केसरी महाराज, आपको जीवन दान मिला, इतना सुखद समाचार पाकर भला मैं कैसे नहीं आता। महाराज के सभी अतिथिगण पधार चुके हैं, प्रजा भी उत्साहित हो रही है, अब समारोह आरंभ करें। किंतु गरुड़ों के राजा जटायु और नागराज पंचपन तो अभी तक आए नहीं। वे कब आएंगे? आएंगे भी या नहीं कौन जानता है। नागों और गरुड़ों की तो चिरकाल से शत्रुता है। सत्य है, गरुड़ों और नागों को परस्पर युद्ध करने से अवकाश ही कहां मिलता है। संभव है यहां के मार्ग में वो एक दूसरे के सामने आ गए हों और युद्ध प्रारंभ हो गया हो। उनकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। आप उचित कह रहे हैं, तो फिर हमें मंगल ध्वनि से
समारोह प्रारंभ करना चाहिए। और प्रतीक्षा नहीं, हनुमान, हनुमान, चलो हम भी नृत्यकारों और वादकों के समीप चलते हैं। बहुत ही आनंद है नृत्य और संगीत में। प्रणाम ऋक्षराज काका जामवंत। यशस्वी भावा, पुत्र सुग्रीव, वाली कहाँ है, दिख नहीं रहा? वाली भैया तपस्या से लौटे नहीं है, देवराज से वरदान लेकर ही लौटेंगे। यदि बाली भैया भी यहाँ होते तो कितना आनंद आता। बाली भैया अपनी तपस्या में अवश्य सफल होंगे, ये हनुमान का विश्वास है। अरे अरे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतीत हो रहा है मेरा पुत्र वाली आ गया, जो तपस्या करने के पश्चात वरदान प्राप्त कर वापस लौट रहा है। वाली नहीं, ये तो पंचफण और पक्षीराज जटायु है। अरे ये क्या, जटायु पंचफण के साथ? महाराज गरुड़ की जय, महाराज पंचफण की जय, महाराज गरुड़ की जय, महाराज पंचफण की जय। प्रणाम। आप सभी को जटायु का प्रणाम। पक्षीराज महाराज जटायु और नागराज पंचफण पधार रहे हैं। नागराज और जटायु एक साथ, ये कैसा चमत्कार है? गरुड़ों और नागों की शत्रुता समाप्त हो गई, चिर शत्रु और परम मित्र बन गए हैं। आप दोनों का स्वागत है, पधारिए। सबको लगा था कि वाली भैया आने वाले हैं, ये तो नागराज और पंचवन है, तो वाली भैया कहाँ है, वो क्यों नहीं आया अभी तक? हा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 ह
नमः। ओम ब्रह्मदेवाय 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 नमः। ओम ब्रह्म अमृत प्राप्ति का मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। कौन है वो आभागा जिसने लंकाधिपति दशानन रावण को चुनौती दी है? किसने यह दुस्साहस किया है? जिसने शिखर के पर्वत को तोड़कर मेरे तप में व्यवधान डाला है? जिसने मेरे हवन कुंड को सागर के अटल जल में गिराकर प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया? वो जो भी हो उसने बहुत बड़ी भूल की है। हनुमान, आ रहा हूं मैं तुझे परास्त कर तेरा संहार करने। एक साधारण वानर, एक और दुष्ट वानर। इस अधम वानर के जीवन लीला का अंत समीप है। इसे मृत्यु दंड मैं स्वयं दूंगा। अपने इष्ट को स्मरण कर ले वानर, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तेरा वध होने वाला है। रावण है हम पुष्पक। ये तो बड़े ही सुखद समाचार हैं कि आप दोनों की शत्रुता समाप्त हो गई। किंतु ये सब हुआ कैसे? इसके कारण भी आप हैं हनुमान। आपने मुझे उचित मार्ग दिखाया जिस पर मैं आज भी अग्रसर हूं। इसी कारण मैंने मेघासुर को बंदी बना लिया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो गरुड़ों और नागों के बीच घमासान युद्ध हो जाता। मेघासुर, मेघासुर जो किसी भी क्षण कहीं से भी अकस्मात प्रकट हो जाता। जब भी अपने विकराल सर्प रूप में आता तो उसके समक्ष पर्वत भी छोटा प्रतीत होता। जीव जंतुओं को उसके आने की भनक लगती और वे अपने आप को रक्षित कर पाते। इससे पूर्व ही वो दुष्ट अपने केवल एक श्वास मात्र से उनका शिकार कर लेता। मेघासुर की विषाग्नि से न केवल जीव जंतु मर रहे थे अपितु नदी व सरोवर भी पूरी तरह से विषाक्त होते जा रहे थे। इसीलिए उस पशु पक्षी संहारक मेघासुर को रोकना आवश्यक हो गया था। मेघासुर को पकड़ना अत्यंत कठिन था, किंतु मैंने अन्य नागों की सहायता से उसे पकड़कर बंदी बना लिया। पंचफन ने मेघासुर को बंदी बनाकर हम पक्षियों की रक्षा की है, हम पर उपकार किया है। तभी हमने निश्चय किया है कि ऐसी शत्रुता का कोई लाभ नहीं।
इससे अधिक प्रसन्नता की बात तो और हो ही नहीं सकती। आप दोनों की मित्रता सदैव बनी रहे। हनुमान चलो ना, कितना मधुर संगीत है। हाँ आओ ना, चलो उधर तुम भी एक गीत सुनाओ ना। मित्रों, मैं मृत्यु लोक जाकर मृत्यु पर विजय पा सकता हूँ, किंतु गीत गाना। नहीं नहीं, अब बात बनाकर नहीं बचोगे। चलो शीघ्र चलो और गीत सुनाओ। सब लोग कितनी उत्सुकता से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। सुनाओ ना। हनुमान गाओ। हनुमान तो ठीक है, मैं आप सबको एक गीत सुना ही देता हूँ। हनुमान तुम्हारे समक्ष अपनी वरदानी शक्ति से तुम्हारा अभिमान तोड़ने। दिमक दिमक डिम, दिमक दिमक डिम, दिमक दिमक डिम शंकराय, जयति जयति जय, जयति जयति जय जटाधराय गंगाधराय। दिमक दिमक डिम, दिमक दिमक डिम, दिमक दिमक डिम शंकराय, जयति जयति जय, जयति जयति जय जटाधराय ओम गंगाधराय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो देवाय, नमो देवाय, नमो देवाय, ओम नमो पुष्पक विमान कैसे रुक गया? ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वरुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। नमः शिवाय, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये क्या हनुमान अपने गीत में इतना बह गया था कि हनुमान को ध्यान ही नहीं रहा कि संध्या वंदन का समय हो गया है। संध्या की वेला हो गई, संध्या वंदन का समय हो गया। तू वही मूर्ख ना जिसने दशानन रावण की तपस्या में विवधाय डालने का दुस्साहस किया है। तुम जो भी हो मेरा समय व्यर्थ ना करो, अन्यथा कठोर दंड के भागी बनोगे। वाली अभी संध्या वंदन के लिए जा रहा है। तू मुझे दंड देगा। तू जानता भी है कि मैं कौन हूं? नहीं जानता और ना जानना चाहता हूं, और मुझे उससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता। मरकट से पूर्व ही इस मूर्ख पर अपनी वरदानी शक्ति के परीक्षण का अवसर मिला है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।